ना परिचय देते हुए। परिचय हाँ, देते हैं। मैं अमित खरखड़ी, मेरे पास बुद्धिजीवी प्रकोष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संयोजक के नाते दायित्व है। पूरे देश में जिस ढंग से विरोध प्रदर्शन हो रहा है नोटबंदी और जीएसटी को लेकर के 8 तारीख को काला दिवस मना रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नोटबंदी पर कुछ लोगों को दर्द होना बड़ा स्वाभाविक है। जो काला धन था उनका, वो एकदम से सरकार की नज़र में आ गया है। कई लाख फेक कंपनियां इन लोगों ने बनाई हुई थी। ज़्यादा दर्द पुराने कांग्रेसियों को, समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी जो शारदा घोटाला, फला घोटाला, ढिमका घोटाला में सबसे संलिप्त थे, उन लोगों को दर्द हो रहा है कि उनका काला धन अब सरकार की नज़र में आ गया है और सरकार उस पर कार्रवाई करती जा रही है। इसलिए नोटबंदी को लेकर छटपटाहट इनके हद से ज़्यादा है। रहा बात जीएसटी का, तो जीएसटी पे लोगों की भलाई के लिए जीएसटी टैक्स लाया गया है। जो दुनिया भर का इंस्पेक्टर राज था वो ख़त्म कर दिया गया है और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ों पर लोग केवल उन चीज़ों को उठा रहे हैं जिन पर जीएसटी की वजह से थोड़ा बहुत टैक्स की वजह से थोड़ा बहुत कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को नहीं ध्यान दे रहे कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी जिनके दाम बिल्कुल या तो काफ़ी कम आ गए हैं या उन पर टैक्स बिल्कुल नहीं रहा है, उन चीज़ों को भी उठाना चाहिए। और यदि कुछ समस्या भी तो सरकार उनको रोल बैक करती जा रही है, तो मुझे लगता है जीएसटी कोई बहुत भारी मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल जो करप्शन बंद हो गया है तथाकथित लोगों का, कांग्रेसियों का या अन्य ये जो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, सारा मामला वो है। जीएसटी और नोटबंदी की आड़ में अपने करप्शन को छुपाना चाह रहे हैं।